हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि चौहान। और अगर मैं टोटल वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे 9 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है हर जगह पे। कोविड-19 की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत हार्ड स्टेप इस टाइम पे लिए हुए हैं। और सोचने की बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी में पिछले 4-5 साल से या 9 साल से काम कर रहे हो और ऑन द स्पॉट आपको ये बोल दिया जाए कि यू हैव टू रिजाइन, आपको जो है कंपनी टर्मिनेट कर देगी या आप जो है हम आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो आप उस पर्सन की स्थिति को समझ सकते हो कि आपको एग्जैक्टली लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी ज्यादा जॉब्स नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इट्स अ राइट टाइम टू थिंक कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी एक्टिव इनकम, जो हमारे एक्चुअल में जो हम जॉब करके ले रहे हैं, उसके साथ में एक और इनकम एडिशनल की जरूरत है। तो आज हम कुछ फैक्ट्स पे बातें करेंगे, तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन और जानते हैं कि हम और क्या एक्स्ट्रा जो है इसके साथ में कर सकते हैं। तो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयर द स्क्रीन एंड विल सी कि हम कैसे इन चीजों से जो है कवर अप कर सकते हैं। राइट, ओके। तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये 1947 में जो है इनका बर्थ हुआ था एंड ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ये एक ऑथर भी है। और ऑथर के साथ साथ इन्होंने अपना जो करियर है वो जीरो से स्टार्ट किया था। एंड यू कांट इमेजिन कि इन्होंने 47 की एज में आके रिटायरमेंट ले लिया था कि मुझे अब आगे काम नहीं करना है। और इन्होंने अपनी इस सक्सेसफुल जर्नी में कुछ चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, बेसिकली हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम के लिए करते हैं कि हमारे पास टाइम की फ्रीडम हो, पैसे की फ्रीडम हो और हमें अपनी चॉइस की फ्रीडम हो। लेकिन ये तीनों चीजें अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को क्या मिलता है। अगर हम टाइम की बात करें कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है लेकिन पैसा नहीं होता है, तो वो कैटेगरीज होती है जहाँ पे बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं बेसिकली। और जहाँ पे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सीईओ, एचओडी, आईएएस, आईपीएस, स्मॉल पॉलिटिशियंस, आपका स्मॉल बिजनेसमैन, कि इन लोगों के पास ना इतना पैसा होता है कि मतलब ये बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीते हैं, लेकिन इनके पास ना टाइम नहीं होता है क्योंकि सारे दिन और सारी जिंदगी ये सिर्फ और सिर्फ काम में गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी और आपकी बात करें ना, 95% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं और उनके पास ना तो टाइम मिलेगा और ना ही उनके पास पैसा मिलेगा, क्योंकि वो फंसे होते हैं 9 to 6 की जॉब में। और अगर इन दोनों की बात करें कि पैसा और टाइम किसके पास मिलेगा, तो वो कैटेगरी आती है बिग बिजनेसमैन की, इन्वेस्टर की और एंटरप्रेन्योर की। तो आइए समझते हैं कि कैश फ्लो कैसे काम करता है। अगर हम बात करें, देयर आर 4 कैटेगरीज, रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बोला है कि 4 कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय, सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयज, थर्ड बिजनेसमैन एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर। तो आइए हम इसका डिफरेंस समझते हैं कि एम्प्लॉयज कौन होते हैं। बेसिकली जो एजुकेटेड होते हैं एम्प्लॉयज, आपके स्किल्ड होते हैं, आपके उनके पास नॉलेज बहुत होती है, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, कमिटेड, शायद इसीलिए वो जो है वो एक एम्प्लॉय है। अगर हम उनकी लाइफ की बात करें ना, 30 साल लगा देते हैं पूरी जिंदगी के जिसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और 60 साल की उम्र में आके रिटायरमेंट एंड नो क्वालिटी टाइम एंड नो मनी। और अगर बात करें ना, तो इन लोगों के पास बहुत ज्यादा बीमारियां भी लग चुकी होती है 60 साल की उम्र में। आपने ऐसे कई लोग अपने आसपास में देखे होंगे। यहीं पे दूसरी बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयज की। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में ज्यादा फर्क नहीं है बेसिकली। सेल्फ एम्प्लॉयज कौन होते हैं कि जो अपने आप को रिपोर्ट कर रहे होते हैं खुद को, और एम्प्लॉय जो है वो किसी बॉस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कि सेल्फ एम्प्लॉय में लेट्स से कि मैंने कोई शॉप ओपन कर ली है आज, और शॉप ओपन करने के बाद मेरे पास 4-5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या है कि उनकी भी टेंशन है कि मुझे ये तो करना है, अपना शोरूम भी चलाना है, उसका रेंट भी निकालना है और प्रॉफिट भी देखना है, और इन लोगों के एम्प्लॉयज जो मैंने रखे हुए हैं उनकी सैलरीज भी निकालनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। यहीं पे अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन कौन होते हैं कि जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे 200-2000 लोग मिनिमम काम कर रहे होते हैं और वो उनका टाइम, पैसा, एफर्ट्स जो है यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो बिजनेसमैन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम क्रिएट करता है कि मैं कैसे सिस्टम, जैसे जियो, आपका अगर हम अंबानी की बात करें, वो आपका चाहे जियो कनेक्शन हो उनके, या आपका इंटरनेट कनेक्शन हो, या उनके मॉल्स हो, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसके अंदर सब लोग उनके पैसे जो चीजें हैं उनका यूटिलाइज करते हैं, इसके जैसे उनको जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उन्होंने एक बार कर दिया, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स यूज कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, अगर इन्वेस्टर को हम देखें तो यस, ये एक एम्प्लॉय को भी रख सकता है, बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयज को भी अपने पास में रख सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, मैं 500 करोड़ लगा दूंगा, 1000 करोड़ यहाँ से ले सकता हूँ, पैसे से पैसा बनाना। तो
अब आप सब लोग है ना इस चीज को देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं, आप एक एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। अब बात ये आती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर जो है वो सैलरीड है। अगर हम बात करें 95% लोग, 95% लोग ऐसे है जो स्किल्ड है, जिनके पास पैसा है, टाइम है, नॉलेज है, लेकिन वो ये सब चीजें अपनी देते हैं जिससे उनको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे ऑफ के तौर पे उनको मंथ एंड पे मिल जाता है। और यही अगर हम 5% लोगों की बात करें जिनका टाइम, पैसा, स्किल्स और नॉलेज वो हमेशा दूसरों की यूज करते हैं, उसके बदले उनको एक सिस्टम जनरेट करके देते हैं जहाँ पे वो लोग काम करते हैं और वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ये 5% लोग पूरी दुनिया पे रूल करते हैं। तो इट्स टाइम फॉर चेंज, और अब हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन ने हमें काफी सारी चीजें सिखा दी हैं कि हमें एक सेकेंड इनकम की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो 1960 में 100 रुपीज एक परिवार के लिए जो है वो काफी होता था, और इस 100 रुपीज में उसके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से होता था। यहीं पे 1918 की अगर हम बात करें, 1980 तक आते आते ये 1000 रुपए हो गया कि 1000 रुपए में एक परिवार की आराम से जो है पालन पोषण हो जाता है। 2000 में आते आते ये 10,000 हो गया, और आज 2020 अगर 2020 में किसी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपीज नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइवल, क्योंकि अगर आपको उनको एक अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लग्जरी लाइफ, इट्स ओनली नेसेसिटीज कि अगर उनकी जरूरतों को सबको पूरा करना है तो मिनिमम 1 लाख रुपए एक फैमिली की इनकम आज की डेट में रिक्वायर्ड है। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, बेसिकली कि नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम पे क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, 2025 तक आते आते ये वो इंडस्ट्री बन जाएगी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सेकंड जो प्लस पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो आइए समझते हैं कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है और लोगों का ओवरव्यू इसके लिए क्या है। अगर हम बात करें, पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ सेकंड इनकम सोर्स, लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि अब इस टाइम पे सेकंड इनकम का जो हमारा सोर्स है वो होना बहुत 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 जरूरी है। एंड दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी सिस्टम एंड द हैविंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। 2 महीने से आप सब सुन रहे होंगे कि कोरोना कोरोना कोरोना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम के ऊपर बात हो रही है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनका जो है आपका कोरोना से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में ज्यादा है, जिनका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उनके साथ कहीं ना कहीं वो ज्यादा इफेक्टेड है। तो इम्यून सिस्टम को लेके और अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेके अगर कुछ काम करने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। थर्ड थिंग कि दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रिजर्व फंड ऑफ कंटिजेंसी, कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारे पास एक रिजर्व फंड होना बहुत जरूरी है। अगर हम आज देख रहे हैं ना, जो लोग बेसिकली जॉब कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, तो मतलब 2 महीने का सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं यार वो लोग, कि 2 महीने अगर उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो घर पे अगर बैठे हैं तो दे आर वरिड कि हमारे घर का जो राशन पानी है वो कैसे चलेगा, और वो बाहर जाके फ्री का राशन ले रहे हैं। तो यहीं से आप एनालाइज कर सकते हो कि यार हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे हम फॉल करते हैं। और वेल्थ की बात करें तो हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव इफ योर करंट इनकम स्टॉप्स, जो कि मैंने अभी बात करी कि आप कितने दिन, ये आज और अभी सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो अगर आज आपकी जॉब चली जाती है। लेट्स से मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ और ऑन द स्पॉट अगर मेरी जॉब जाती है तो मैं कम से कम अगर 1-3 साल तक अगर सर्वाइव नहीं कर पा रही तो इट्स अ वेस्ट, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट कि मैं आज की करंट जॉब करते करते अगर मैं इतना रिजर्व फंड अपना इतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाई हूँ कि जहां पे मैं 1 साल या 2 साल बैठ के काम कर सकूं या 1-2 साल बैठ के खा सकूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी, सुबह कमाया शाम को खाया, दैट्स इट। तो इस टाइम पे बहुत जरूरत है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एंड मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट कि ये प्रेजेंटेशन जो भी आपके पास सेंड करे तो हमारे पास आप आइए, ज्वाइन कीजिए और समझिए कि हम कैसे अपनी सेकंड इनकम को जनरेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा पैसा लगाए बिना, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए बिना, एक नॉलेज के साथ, एक स्किल्स के साथ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमें देखिए कि हम कैसे इस चीज को सिस्टम पे काम करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय।